दोस्तों, दुनिया में हर कोई चाह रहा है कि मैं सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम दिखूं, और इसके लिए हम अच्छे से अच्छे महंगे कपड़े भी पहनते, अच्छा मेकअप भी करते, इसके साथ साथ सुंदर और डिज़ाइनर आभूषण भी पहनते। दोस्तों, ये तो हुई इंसान की बात। अब एक जानवर की बात करें तो जानवरों में भी कुछ ऐसा होता है। जी हाँ, तो जानवरों के लिए भी अलग अलग प्रकार के आभूषण बने हुए हैं, उनके गले में, उनके पैर में, उनके सींग में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जानवरों के लिए आभूषण कैसे बनाना है, और उस आभूषण के अंदर एक ऐसा है जो सिंह के अंदर बांधा जाता है उसको। अब दोस्तों, अलग अलग लैंग्वेज में कहीं माथोटी कहते हैं, कहीं सिंगदोरी कहते हैं। अब आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे भी पता करना है, बाकी औरों को भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो सिंगदोरी है बहुत ही डिज़ाइनर गठनों के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि अपने चैनल के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी चीज़ मैं सिखाता हूँ वो एकदम नई और यूनिक डिज़ाइनों के साथ होती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की सिंगदोरी, माथोटी या जो आप कमेंट में लिखोगे वो कैसे बनानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिंगदोरी या माथोटी स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों, जैसे आपके सामने देख पा रहे हो, जो ये सुंदर और डिज़ाइनर माथोटी रखी हुई है, इसी तरह की सेम डिज़ाइन और सेम कलर की माथोटी आज के एपिसोड के अंदर मैं बनाना सिखाऊंगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी काट-छाट करनी थी वो मैंने पहले ही कर चुका हो। अब आपका काम मैंने कर दिया, आप बस इंजॉय कीजिए और इसको बनाना सीख लीजिए। ये जो 6 के 6 पीस दिख रहे हैं आपको, ये 5 mm मोटाई की रस्सी है दोस्तों, रेशम की रस्सी है। अब इनकी लंबाई की बात करें तो एक जो हिस्सा है इनकी लंबाई है 6 फीट, तो 6 फीट के ये 3 टुकड़े, 6 फीट 6 फीट और ये 6 फीट, और दूसरे हिस्से में इसके दुगना मतलब ये 12 फीट के टुकड़े। देखिए दोस्तों, अभी जो मेरे हाथ में रस्सी है ये 6 फीट वाली, मैंने 12 फीट का टुकड़ा साइड कर दिया है। अभी 6 फीट के टुकड़े से पहले शुरुआत करते, तो यहाँ करना क्या है, पहले तो 6 फीट के टुकड़ों को डबल कर लेना इस तरह से। तो ये देख लीजिए, अब मैंने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल गया। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसको ट्विस्ट करते हुए इतना एक लूप बनाना है। आप देख सकते दोस्तों, इतना लूप। तो कैसे करना है देख लीजिए, पीछे वाला अंगूठा यहाँ रहेगा, आगे वाला अंगूठे की मदद से इसको घुमाना है इस तरह से, जहाँ यह आटी है उसी तरफ और घुमाना है उसको, और टाइट कर देना है और ऊपर तरफ पकड़ लेना इस तरह से, फिर नीचे दूसरा पकड़ना, इसको भी घुमाना है और उसके ऊपर पकड़ लेना, फिर तीसरा इसको घुमाना है ऐसे और उसके ऊपर पकड़ लेना इस तरह से, फिर सिक्वेंस वाइज इनको घुमाते हुए चलते चलना है ऐसे, ये घुमाया और इसके ऊपर रख दिया, फिर अंगूठा धीरे धीरे आगे करना, देखिए अंगूठा फिर आगे आ गया, उसके बाद इसको घुमाया, इसके ऊपर छोड़ दिया, फिर अंगूठा आगे आ गया। देखिए बहुत ही शानदार, इतना बड़ा लूप हमें चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे पहले धागे से यहाँ बांधा है उसी तरह यहाँ भी बांध देते हैं कि आगे खुले नहीं। देख लीजिए, इसके आगे और इसके पीछे रस्सी खुली हुई है, पर बीच में क्या है दोस्तों, ये ट्विस्ट हो चुकी है। तो 12 फीट की रोप थी उसको ले लिया ऊपर, तो उसको भी इस तरह से ट्विस्ट करना था ये वाला। तो ये ट्विस्ट कितना करना था, इसको कितना घुमाना था, ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो पहले 6 फीट की जो रोप थी, डबल करने बाद और ये ट्विस्ट करने बाद जितनी लंबाई है 6 फीट के जो 3-3 फीट बने थे, उतना छोड़ के पीछे वाला हिस्सा ट्विस्ट कर लेना था। इन चारों पॉइंट्स को क्या करना है, एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है, इस तरह से रख लिया, और यहाँ धागे से मजबूत बांध देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने बांधने के बाद दोबारा चेक किया है, तो हमारे जो भी सामने के हिस्से हैं लगभग सब एक साथ आ गए हैं, 19-20 आगे पीछे हो सकते हैं। अब आगे क्या करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो डिज़ाइनर गठन लगी, इसको कहते हैं मैथ्यू वॉकर नोट्स या गठन। तो इसको कैसे लगाना है दोस्तों, अभी मैं यहाँ आपको लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कलर को अलग अलग कर लिया है, आप देख सकते हो ये लाल, हरा, काला, उसी सिक्वेंस में फिर लाल, हरा और ये काला। तो इसी सीक्वेंस के साथ हमने मैथ्यू वॉकर नोट्स गठन लगानी है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसको पकड़ लिया इस तरह से, यह अंगूठे की मदद से। अब क्या करना है, इसका जो वर्किंग पार्ट होता है ये सामने वाला, ये इसको लेना है इसके नीचे से, इसके नीचे से लेकर, देखिए कैसे लिया नीचे से, इसके नीचे से लिया और इसके अंदर से, यहाँ अंदर लेके आ गए, देखिए कैसे अंदर लेके आ गए, ये अंदर लेने के बाद इसको कर दिया थोड़ी देर के लिए साइट, ये होगा दोस्तों साइट। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट काला ये वाला, इसका नंबर आता है, इसको क्या करना है, यहीं से इसके नीचे से यहाँ से इसके सामने लेना है, यहाँ
यहाँ से अंदर लिया, देख लीजिए कहाँ से अंदर लिया, इसके इसके नीचे से अंदर ले लिया, ये अंदर लिया। अंदर लेने के बाद फिर यहाँ अंगूठे से पकड़ लिया, यहाँ ये पकड़ने के बाद फिर घुमा यहाँ से नीचे से, और जो पीछे वाला इसका लूप था ये वाला, इसके अंदर से, इसके नीचे से लिया और इसके अंदर से, देख पा रहे आप कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर से इसको बाहर ले लिया और साइड में रख दिया इस तरह से। टाइट करने के लिए क्या करना है, जो सबसे पहले वाला हिस्सा है, देखिए रोप का सबसे पहले वाला हिस्सा है ये नीचे यहाँ, और सबसे आखिरी में ये वाला है, तो इनको क्या करना है, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। तो सबसे पहले वाला हिस्से को ऊपर उठा लेते हैं और इसके साथ यहाँ यहाँ जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे पकड़ लीजिए और धीरे से ऊपर टाइट कर दीजिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना दोस्तों, हल्का टाइट करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से क्या करना है, नेक्स्ट फिर इसका नंबर आ गया, इसको ऊपर ले लिया, हल्का टाइट कर दिया, देखिए यहाँ से धीरे धीरे टाइट करते चलना है, ये दो हो गए। उसके बाद इसका नंबर आता है, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज क्या करना है, इसको धीरे धीरे ऊपर यहाँ उठाते हुए इनके साथ जोड़ी मिलाते हुए इसको टाइट करते चलना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से ये मैथ्यू वॉकर नोट्स यहाँ बन के तैयार हो चुके हैं। ये देख लीजिए दोनों को एक साथ करके देख लीजिए कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो चुके हैं। जैसे मैथ्यू वॉकर नोट्स के बाद देखिए यहाँ मैंने एक फूल जैसा या डिजाइनर गठन लगाए हुए, तो इसको कैसे लगाने वो देख लीजिए। अब उसके लिए क्या करना दोस्तों, रोप के जितने भी हिस्से कलर वाइज उनके कॉम्बिनेशन अलग अलग कर देना। अब यहाँ से आपको ध्यान देकर देखने की आवश्यकता है दोस्तों, तो अभी क्या करना है, इन तीन हिस्से के साथ साथ हमने यहाँ इसको बुनते हुए चले जाना। तो क्या करना है, पहला हिस्सा तीसरे हिस्से के ऊपर से अंगूठे के साथ पकड़ लेना है, पहला हिस्सा तीसरे के ऊपर से अंगूठे के साथ पकड़ लेना है, सामने से एक हिस्सा पीछे ले लिया, फिर पिछला हिस्सा तीसरे के ऊपर से अंगूठे के अंदर पकड़ लेना है। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों ये दो ही बच्चे हुए, आगे से तीसरा देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो अब क्या करना है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और इसके सामने ये तीसरा हुआ, पीछे वाला ये वाला इसके ऊपर से सामने वाले के ऊपर से अंदर जाएगा, इसको खींच लिया इस तरह से, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, पहला छोड़ के दूसरे लाल कलर से अंदर डाल दिया और इसको खींच दिया और उसको धीरे धीरे यहाँ टाइट करना है, धीरे धीरे करना है टाइट। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों एक फूल जैसा इसके बीच में आकार ये बन गया, चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। दूसरे स्टेप में पकड़ने का तरीका पहले जैसा ही है। अब पहले वाले में क्या किया था हमने, इस तरह से तीन स्ट्रैंड या तीन रस्सी के हिस्से लिए हुए थे, अब हम क्या करेंगे, चार हिस्से लेंगे। चार लेने के बाद क्या करना है, सेम पहले जैसा सबसे पीछे वाला हिस्सा चौथे के ऊपर से अंगूठे के साथ पकड़ लेना है, इस सामने से एक हिस्सा पीछे लिया फिर इसको चौथे के ऊपर से पकड़ लिया। अब तीन ही बचे हैं, अब क्या करना है, तीन को ये लाल कलर का, उसके बाद एक हरा, उसके बाद एक हरा, तो क्या करना है, इन तीनों को सीक्वेंस वाइज इन तीनों में डाल देना है। तो क्या करना है, सबसे पीछे वाला ये सबसे पहले वाले में, अब देख लीजिए इसको आप टाइट कर लेते हैं। अब देखिए हल्का टाइट करने के बाद कुछ इस तरह से इसका जो आकार है निखर के आ गया है। अब इसके बाद क्या स्टेप है, ऊपर तरफ इस तरह से ऐसे मोड़ देते हैं, देखिए ये मोड़ दिया। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ ध्यान देकर देखिए, जो स्टैंड ऊपर गया हुआ है, मान लीजिए ये काला है, यहाँ से ऊपर गया हुआ है, तो इसके बाद जो अंदर तरफ घुमा है ना ये स्टैंड, इसके नीचे से यहाँ से देखिए यहाँ से ये ले लिया इसका वर्किंग एंड पकड़ लिया ये, उसके बाद इसके सामने वाला ये और इसके नीचे से यहाँ से लगा दिया ये, और कहाँ से खींचना है, ये आगे से देखिए ये आगे निकल गया, इसको धीरे से खींचते हुए बाहर निकाल दीजिए, ये एक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट ये फूल बनकर तैयार है। इसको आप धीरे से हम टाइट कर देंगे और जितने भी रूप के हिस्से थे इसके बीच में से सामने आ चुके हैं, इसको बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये फूल बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, जैसे हमने पहले आपको एक फूल दिखाया था, सेम उसी तरह का ये फूल बन गया है। अब फूल के बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ तीन कलर के रस्सियों से मैंने यहाँ बढ़िया से डेकोरेट करके हुए बांध दिया है। तो इसको कैसे बांधना है वो देख लेते हैं। इसको अब क्या करना है, अंगूठे के ऊपर से बांधना है इसको। कैसे, यहाँ पकड़ लिया इस तरह से एक, उसके बाद अब इसके पीछे डालना है, आगे नहीं डालना है इसके, इसके डालना है पीछे दो तीन। और चौथी बार में क्या करना है, जैसे अंगूठा मेरा फंसा हुआ है, अंगूठा निकाल देना है और ये जो हिस्सा है इसका, इसके अंदर से लगा देना है। तो ये चौथा हिस्सा यहाँ से अंदर तरफ आ जाएगा। अब हमने देखना है, जैसे गोंडा है या कलर के धागे का ये फूल है, या इसको पॉम-पॉम भी कहते हैं, ये इसको कैसे बनाना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ सामान मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ सामने रखा हुआ है। तो ये जो बीच वाला जो गोंडा है या फिर ये जो पॉम-पॉम है, इसको कैसे बनाना है उसके लिए सामान की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो सामान दोस्तों ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इम्प्रोवाइज तरीका, ये मेरा अपना तरीका है। तो ये जो है ये प्लास्टिक की सीट से बनाया हुआ है। आपके पास अगर प्लास्टिक का सीट है या प्लास्टिक का कोई पाइप है, पीवीसी पाइप, तो उसको गर्म करके सीधा करके आप इस तरह से बना सकते हो। या अगर आपके पास कोई मोटा कागज़ है या कोई कार्डबोर्ड है, उसका भी आप बना सकते हो। ये भी वही है, इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। दो नंबर की प्लेटें ली, इनको इस तरह से उल्टा कर दिया, देखिए। उसके बाद आप एक तरफ से शुरू कर दीजिए इसको लपेटना। तो इसको पकड़ लिया और इसको यहाँ से धीरे धीरे लपेट लेते, ये देखिए ऐसे ऐसे लपेटना है, और इस पूरे में लपेटना है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, एक प्लेट को तो हमने लपेट लिया, दूसरे वाले को भी लपेट लेते, लाल कलर का ही वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, येलो कलर का इन दोनों प्लेट के ऊपर बाहर से लपेटेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने लाल कलर के ऊपर पीले कलर के धागे भी लपेट लिए। इनको क्या करना है, अभी आपस में यहाँ जोड़ देना है। देखिए ये दोनों हिस्से दोस्तों एक हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इनकी कटिंग करनी है। मैं यहाँ करूँगा कटर से, क्योंकि कटर से जल्दी कटता है। यहाँ से देख लीजिए, इसको यह पकड़ लिया। अभी हमने क्या करना है, यूरोप का ये पूरा हिस्सा इसके बीच में से बाहर निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये जो जितने भी यूरोप के हिस्से थे इसके बीच में से पास करके बाहर निकाल लिए हैं। चारों तरफ से मैंने इसको काट लिया है। अब क्या करना है, एक धागा ले लिया, और धागा क्या करना है, इसके साइड से जो प्लास्टिक की चीज़ है उसके साइड से हमने जगह छोड़ी है उसको धागा फंसाने के लिए। इस तरह से धागा फंसाते हुए इसके नीचे से ले लेना है। ये होने के बाद बढ़िया से यहाँ गठन लगा दीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। अब क्या करेंगे हम, ये जो प्लास्टिक के हिस्से इनको बाहर निकाल लेंगे, इनको खोल देंगे इनको। ये दोस्तों, ये तो हो गया अपना काम इसका ख़त्म, इसको कर देते साइड। तो इसको काट के बढ़िया से इसको गोला कर देंगे चारों तरफ से, तब आपको मैं दिखाता हूँ कितना सुंदर तरीके से बनता है। तो मैं इसको पहले कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के बाद देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसका लुक निखर के आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने यहाँ जो गठाएँ लगाई थी, इस तरह की एक गठन यहाँ लगाने, जैसे आप देख पा रहे हैं गोंडे के इस तरफ भी देखिए यहाँ लगा रखिए, तो हम भी यहाँ लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो गोंडा है, ये जो पॉम-पॉम, ये नीचे खिसकेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ गठन लगा दी, जैसे हमने बड़े साइज का बनाया था उसी तरह हम क्या करेंगे, अब छोटे साइज के तीन बनाएंगे। जैसे मैंने पहले इसको दिखाया था, इसकी जगह आप अपने तीनों उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे।
तो अभी हम इनमें से क्या करते हैं, जो ऑरेंज कलर का है इसको कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो देखिए ऑरेंज कलर का धागा मैंने ले लिया है। अब क्या करना दोस्तों, इसको ऐसे पकड़ लिया और इसके ऊपर यहाँ लपेटना शुरू करना है। ज़्यादा टाइट नहीं लपेटना है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल तरीके से ऐसे लपेटते चलना है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर इस ऑरेंज कलर के धागे को लपेट दिया है। इसके बाद क्या करना है, आपने एक नॉर्मल ऐसा धागा लेना है, सफ़ेद कलर का जो भी कलर का हो ले सकते हैं। एक इस तरफ से डालना है ऐसे, और एक हिस्सा इस तरफ से ऐसे फंसाते हुए ले लेना है। आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बीच में क्या करेंगे, हम इसको बढ़िया से गठन लगा के बांध देंगे जिससे कि खुलेगा नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे बाहर। ये होगा दोस्तों, ये होने के बाद क्या करना है, अब कैंची की मदद से इस तरफ का हिस्सा, क्योंकि हमने बीच में बांध के रखा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा काट देना है कैंची की मदद से। देखिए इस तरह से काटते चलना है इससे। अब देखिए इसको इस तरह से फैला देंगे, इसको बढ़िया से चारों तरफ से काटते हुए सेट करना है। सेट करने के बाद दोस्तों, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको, इस तरह से बन जाएगा। इसको बढ़िया काट के गोल आकार का बना दें तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने काट के बढ़िया गोल आकार का बना दिया है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से बन गया है। अब इसको कैसे सेट करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम कर देंगे क्या, एक छेद कर देंगे। अब छेद करने के लिए इस तरह से आप कुछ भी सामान ले सकते हो, ऐसे छेद करना है यहाँ से बढ़िया पकड़ के, इसको इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के धीरे धीरे करना दोस्तों, कि इसके धागे जो है वो निकल लेने चाहिए। ये बढ़िया पकड़ के यहाँ हमने कर दिया, एक छेद कर दिया, देखिए यहाँ इसको पीछे खींच दिया। ये करने के बाद क्या करना है, यह देखिए कोई भी दो धागे पकड़ लेने हैं, इसमें से दो रस्सी के हिस्से पकड़ लेने हैं, इन दोनों को इसके बीच में से पास करते हुए आगे निकल जाना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों को हमने पास कर लिया, उसके बाद इस हिस्से को बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। ये होगा इसका काम, यहाँ साइड में रख देते हैं। इसको यहाँ से खिसकाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, थोड़ा गैप यहाँ छोड़ना है क्योंकि ये हिलने चाहिए ऐसा। तो देखिए दोस्तों, तीनों गोंडों को हमने बढ़िया तरीके से यहाँ फंसा दिया। इसके अंदर आप देख सकते हैं लाल हरा और ये ऑरेंज कलर का, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये कलर के गोंडे ये नीचे ना आए, जैसे यहाँ देख सकते हैं जैसे इस तरह से खिसक रहे हैं, इस तरह से ना खिसके, इसके लिए यहाँ एक बढ़िया से और अच्छे एक नॉट्स लगाएंगे, गठन लगाएंगे। ऐसे को इस तरह से कर लिया, ये करने के बाद इसको ये इधर आ गया, ये हिस्सा इसके ऊपर से डाल देना है, ऊपर से और इसके नीचे से लेना है घुमाते हुए। आ गया घुमाते हुए, इस तरह से घूम गया, ये आ गया नीचे, और जो नीचे आया हुआ ये इसके अंदर डाल देना है नीचे से, इस तरह से। देखिए कैसे बनी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। इस तरह से बनने के बाद, ये बनने के बाद इसको ऊपर यहाँ टाइट कर लेना है, नीचे खींच दो यहाँ से, तो ये बढ़िया से ये गठन बन जाती है। उसके बाद इसको नीचे कर दो, ये देखिए अब यहाँ से ये कलरफुल नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमने यह क्या कर दी, अच्छे से गठन लगा दी। ये तो ये देख लीजिए दोस्तों, तीनों को हमने बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। इसकी साइज़ भी देख ली, लगभग सेम ही है। अब क्या करना है, इसके नीचे जैसे यहाँ हमने ये गठन लगने के बाद आखिरी में क्या किया, जो पहले वाली गठन यहाँ लगाई थी अंदर तरफ, सेम गठन यहाँ नीचे लगानी है। तो देखिए ये वाली गठन सेम यहाँ नीचे लगानी है, इस तरह से रख देंगे ऊपर से, एक दो तीन और चौथी बार में इसके नीचे से। तो देख लीजिए, जो पहले हमने बनाया था इस तरह का, सेम वही डिज़ाइन का ये सिंदूरी माथोटी बन चुकी है यहाँ। अब जो बचा हुआ रोप है ये, यहाँ से हम इसके बराबर इसका नाप लेके, पहले वाले का नाप लेके काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों बैलों के लिए एक समान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आभूषण है एक ख़ास तौर पर बैल के लिए बनाया जाता है। फटाफट खोल लेते हैं, बहुत आसान है खोलना। तो दोस्तों अपनी माथोटी सिंदूरी बनकर तैयार है। इसके बाद देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत तरीके से दोनों सिंदूरी दिखाई दे रही है। आपको मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों शुरुआत से। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसको लगाना कैसे, ये जो हिस्सा पीछे वाला,
इसको क्या करना है, बराबर करके इस लूप के अंदर से लेना है, पहले इस तरह से लेना है, अंदर से, अंदर से लेने के बाद थोड़ा बड़ा करके इस पूरे के ऊपर जैसे हम माला पहनाते हैं ना, ऐसे पहनाना है और इसके नीचे ले लेना, नीचे लेने के फिर इसको पीछे खींच देना है, इस तरह से पीछे खींच देना है। देखिए यहाँ ये लॉक हो चुका है, देखिए यहाँ ये जो हिस्सा था यहाँ ये लॉक हो चुका है। तो ये लॉक होने के बाद क्या हुआ, अपनी सिंदूरी बेलों के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए इतना बड़ा इसका साइज है, यहाँ बीच में बेलों के दोनों सिंगों के साइड से आती है। तो ये थी दोस्तों आज की बेलों के सिंग में बांधने वाली माथोटी सिंदूरी, एक प्रकार का एक बेलों के सर का ताज होता है। तो कितनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन हो चुका है, बन चुका है। सबसे पहले तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की रोप टेक्निक थी माथोटी सिंगदोरी, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर इसके बारे में आपको कुछ समस्या है वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, लाइक करते ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार हो तो इस तरह की नई नई यूनिक गठनों के जो भी रोप टेक्निक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। नहीं तो मिलते दोस्तों तुक्के के साथ स्क्रॉल करते हुए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।